एकदम स्टार्ट करो चलिए। ओके देखिए हम लोग कॉकरोच के एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, उसके एलिमेंट्री के नाम में तीन पार्ट है, फोरगट मिडगट हाइंडगट। फोरगट और हाइंडगट, इसकी जो लाइनिंग होती है एक्टोडर्म से, और इसमें बाहर की तरफ क्यूटिकल पाया जाता है, ऐसा कोई भी क्यूटिकल मिडगट में नहीं पाया जाता है। तो मिडगट एक्टोडर्मल नहीं है, एंडोडर्मल है। जिस तरह से फोरगट और हाइंडगट में क्यूटिकल पाए जाते हैं, उसी तरह से मिडगट में पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन पाया जाता है। फोरगट में आप देखिए ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड आते हैं। ओरल कैविटी में वन पेयर सेलेबरी ग्लैंड देखने को मिल रहा है आपको, जो सेलेबरी रिजर्वायर के थ्रू रिलीज होता है। फेरिंग्स, ईसोफेगस के बाद बात करेंगे क्रॉप की। ये जो क्रॉप है वो थिकेस्ट, वाइडेस्ट, लॉन्गेस्ट, ब्रॉडेस्ट फूड का स्टोरेज करता है। उसके बाद जो कुछ भी कॉकरोच ने क्रॉप में स्टोर किया है उसको पीसने के लिए गिजार्ड है। गिजार्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ फोरगट, या द लास्ट पार्ट ऑफ फोरगट इज गिजार्ड। दिस इज आल्सो नोन एज प्रो वेंट्रिकुलर। इनमें आउटर, आउटर बहुत प्यार से समझना, आउटर थिक सर्कुलर मसल लेयर पाया जाता है, आउटर थिक सर्कुलर मसल लेयर पाया जाता है, और इनर, इनर आप देखेंगे काइटिनस, काइटिनस टीथ पाए जाते हैं, दांत के जैसे काइटिनस प्लेट्स होते हैं। ये प्लेट्स हार्ड होते हैं और इनकी संख्या 6 होती है, याद रखना। मैं गिजार्ड की बात कर रहा हूं, गिजार्ड को प्रोवेंट्रिकुलस के नाम से जानते हैं, जिसमें आउटर थिक सर्कुलर मसल है, इनर काइटिनस टीथ है, हार्डन प्लेट है, 6 है, जो कि भोजन को पीसने का काम करता है। फोरगट और मिडगट के, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे हिमेटिक या गैस्ट्रिक सीका पाया जाता है। इसकी संख्या 6 से 8 होते हैं। ये डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है, और कॉकरोच ने जो कुछ भी खाया है इंजेस्टेड फूड मटेरियल का, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। याद रखिएगा, एज वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम मिडगट टू हाइंडगट, दिस हाइंडगट इज ब्रॉडर, दिस हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट, मिडगट हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट। इसे तीन पार्ट होता है, इलियम, कोलन, रेक्टम। इलियम, कोलन, रेक्टम, गलत मत करिएगा, हम में सीकम होता है ना, इस तरह से इलियम है, इलियम, कोलन, रेक्टम। हाइंडगट के तीन पार्ट हैं, मिडगट और हाइंडगट में, हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे मार्पीजियल टिगुल पाया जाता है। मार्पीजियल टिगुल की संख्या 100 से 150 है। ये थिन है, ये येलो है, और ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस बेस फ्रॉम हीमोलिन एंड कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड, इसीलिए बोलते हैं यूरिकोटेलिक फैट बॉडी नेफ्रोसाइट यूरिकोज ग्लैंड। ध्यान रखिएगा, फैट बॉडी नेफ्रोसाइट यूरिकोज ग्लैंड, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। कॉकरोच का जो ब्लड है उसको हीमोलिन कहते हैं। हीमोलिन के दो कंपोनेंट होते हैं, हीमोसाइट और कलरलेस प्लाज्मा। प्लाज्मा कलरलेस क्यों है, क्योंकि नो पिगमेंट, कोई पिगमेंट नहीं है। याद रखिएगा, कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करें, पिगमेंट एब्सेंट, देयरफॉर नो रोल ऑफ ब्लड। इसमें स्पाइरेकल्स होता है, 10 पेयर स्पाइरेकल होता है, 2 पेयर थोरेसिक होता है, 8 पेयर एब्डोमिनल होता है। याद रखिएगा, ऐसे देखेंगे स्पाइरेकल एक ओपनिंग है, फिर ऐसे ऐसे ट्रकिया निकलती है, फिर ऐसे ऐसे पतले पतले ट्रकियोल्स निकलते हैं। तो याद रखना, ये स्पाइरेकल ओपनिंग है, स्पाइरेकल पे स्फिंक्टर पाया जाता है। इस स्फिंक्टर को हम लोग पेरिट्रीम बोलते हैं, पेरिट्रीम, जो कि स्पाइरेकल को ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। और आप देखेंगे इस ट्रकिया के अंदर, इस ट्रकिया के अंदर क्या है, कोलैप्स होने से बचाने के लिए एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम इंटीमा बोलते हैं। इंटीमा, इंटीमा इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू प्रिवेंट द ट्रकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। और ट्रकिया के फाइन ब्रांच है ट्रकियोल्स, यही पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। इस गैसियस एक्सचेंज में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। फिर हम बात करते हैं क्या है मार्पीजियल ट्यूब्यूल की, तो वहां पे हर एक मार्पीजियल ट्यूब्यूल लाइन बाय ग्रैंडुलर सीलिएटेड सेल, इसका वही काम है, जो भी ब्लड है हीमोलिंग है उसे नाइट्रोजनस बेस में अब्सॉर्ब करके यूरिक एसिड में बदल देना। कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है वो हीमोलिंफ होता है। हाथ तो एक है लेकिन चैंबर 13 है। हर एक चैंबर में 2 छोटे-छोटे पोर हैं, उनको बोलते हैं ऑस्टिया। चाहे पोरिफेरा की बॉडी हो, या ह्यूमन फीमेल की फैलोपियन ट्यूब हो, फिमरी हो, या कॉकरोच के दिल में हो, यहाँ पे माइनिंग पोर को हम ऑस्टिया कहते हैं। और कॉकरोच का जो ब्लड होता है यानी हीमोलिम्फ, पोस्टीरियर से एंटीरियर की ओर यानी पंप एंटीरियरली, ये जो पंपिंग एक्टिविटी होती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल रिलैक्सेशन फंक्शन ऑफ एलवी मसल। एलवी मसल ऐसी मसल है जो विंग लाइक है, जो फैन लाइक है, जो
और ऐसे याद रखना कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, लेकिन हम लोगों का क्या होता है मायोजेनिक। हम लोगों का हार्ट वेंट्रल है, लेकिन दुनिया में जितने इनवर्टिब्रेट हैं उनके डार्सल हार्ट पाए जाते हैं। कॉकरोच का हार्ट न्यूरोजेनिक है, कॉकरोच का हार्ट डॉर्सल है, याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं कॉकरोच के क्या है नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में 9 गैंग्लिया हैं जो कि वेंट्रल या बेली साइड होते हैं, 3 थोरेक्स में है, 6 एब्डोमेन में है, मतलब हेड होल्डर लिटिल बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसीलिए काट दें तो हफ्ते भर जिंदा रहेगा। हेड में सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया रिप्रेजेंट द ब्रेन ऑफ कॉकरोच। अगर गैंग्लिया से कंपेयर करें तो आप देखिएगा जो थोरेसिक गैंग्लिया है और जो एब्डोमिनल गैंग्लिया, आई मीन जो लेटरल गैंग्लिया और जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया है किसी कॉमन शीट में नहीं है, देयर इज नो कॉमन शीट, लेकिन एनेलिडा में क्या देखा था कॉमन शीट, याद आ रहा ना आपको। चलिए तो दैट्स ऑल।